भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शेख हसीना सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा हो रहा। प्रदर्शनकारियों ने दर्जनों गाड़ियों में आग लगा दी और कई जगह तोड़फोड़ की। इस हिंसा में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे। बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने 3 दिन का राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर दिया है, जिसको देखते हुए सरकार ने अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है। इसके अलावा पुलिस विभाग और अन्य एजेंसियों की सुरक्षा चौकसी बढ़ाने के लिए कहा गया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने बताया, देश भर में जवानों को तैनात किया है और सैकड़ों अर्धसैनिक बल के जवान राष्ट्रीय राजधानी ढाका में गश्त पर होंगे। बीजीबी प्रवक्ता ने बताया, कानून व्यवस्था बनाए रखने और प्रमुख राजमार्गों की सुरक्षा के लिए देश भर में बड़ी संख्या में बीजीबी प्लाटून भेजे गए हैं, जबकि शहरों में एंटी रैपिड एक्शन बटालियन प्रमुख मार्गों पर हाई अलर्ट पर रहेंगे। वहीं बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कानून और व्यवस्था मामलों की कोर कमेटी की बैठक बुलाई और पुलिस समेत अन्य एजेंसियों के सीनियर अधिकारियों के साथ सिक्योरिटी स्थिति की समीक्षा की है। एक अधिकारी ने बैठक के बारे में बताया, खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों को विपक्ष की 72 घंटों की नाकाबंदी के दौरान तोड़फोड़ और हिंसा के किसी भी कृत्य को लेकर अतिरिक्त सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वहीं इससे पहले बीएनपी कार्यकर्ताओं ने चट्टोग्राम के साउथ ईस्ट बंदरगाह और गाजीपुर में 2 खाली बसों में आग लगा दी, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई है। हालांकि इनमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि दोनों बसें पूरी तरह जल गई हैं। बता दें कि बांग्लादेश में जनवरी 2024 में ही आम चुनाव होने हैं। बढ़ते तनाव के बीच बीएनपी ने अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया था। वहीं अवामी लीग ने ढाका में शांति रैली का आयोजन किया था। इतनी सुरक्षा चौकसी के बावजूद बीएनपी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। इसके अलावा सेंट्रल पुलिस अस्पताल में कई एम्बुलेंस, एक पुलिस बूथ और शहर में अन्य जगहों पर बसों समेत कई वाहनों में आग लगा दी गई है। इस पूरे बवाल में 200 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे। वहीं बीएनपी कार्यकर्ताओं के अनियंत्रित होने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने बीएनपी नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद विपक्ष ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर दिया। खैर, सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और उम्मीद है कि जल्द माहौल सामान्य हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।